ए उठो, ए उठो। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू सर। यही नरसिम्हा। आपने पहले से ही उसे इतना फ्रीडम दे रखा है और पूजा करने के लिए कपड़े भी। सर ऊपर से ऑर्डर आया है इसीलिए ऐसा है। जब तक ये गायत्री मंत्र का जाप ना कर ले और संध्या वंदम ना कर ले तब तक ये पानी भी नहीं पीता है। इसलिए मैंने काफी सोच समझ कर इसको इस बात की परमिशन दी है। ये तुम्हारा रिलीज ऑर्डर नहीं है, डेथ सेंटेंस है। इस महीने की 30 तारीख को सुबह ठीक 5:30 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी। अपनी मौत को सामने देखकर लोगों को मैंने डरते देखा है, लेकिन पहली बार मैं तुम्हें इस तरह मुस्कुराते हुए देख रहा हूँ। जो मौत से डरता है मौत उसके करीब आती है, लेकिन मैं तो मौत को हंसते हुए चुनौती देता हूँ। इसलिए मौत मुझसे कोसों दूर रहती है, उसकी कभी हिम्मत ही नहीं हो सकती कि वो मुझे टच भी करे। तुम्हारे हिम्मत की हम कद्र करते हैं, अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बता दो हमें। अगर आप इच्छा पूरी करना ही चाहते हैं तो सुनिए, ये मेरे गुरुजी की भी परम इच्छा थी। मैं संगीत का प्रोग्राम रखना चाहता हूँ जहाँ बड़े बड़े विद्वान संगीतकार मौजूद होने चाहिए। उस प्रोग्राम से आए फंड को अनाथ आश्रम भेजा जाए, यही मेरी आखिरी इच्छा है। इट्स ए सरप्राइज नोटोरियस क्रिमिनल। संगीत का प्रोग्राम, ऊपर से बड़े बड़े संगीत विद्वानों को यहाँ पर बुलाना है, इज इट पॉसिबल? सर मैं मानता हूँ वो नोटोरियस क्रिमिनल है, साथ में बहुत बड़ा संगीत विद्वान भी है। जब भी ये गाता है सर जेल में रौनक आ जाती है। अगर आप परमिशन दें तो मैं उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर सकता हूँ सर। कैसी है महिमा तेरी राघवेंद्र। राघवेंद्र से मुझे याद आया, इस महीने मुझे मंत्रालय भी जाना है। नहीं जा सकते। अरे भगवान के दर्शन नहीं के लिए। नहीं जा सकते सर, इस महीने का पूरा पैक्ड प्रोग्राम है। जब मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ तो फंड नील होता है, और जब मैं अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ तो तुम टांगड़ा देते हो। सही बोले सर। चुपचाप पीछे आओ। ये तो हो सकता है सर। रेणुका छोड़ के जाओ ना। रेणुका अभी आती हूँ सर। क्या काम है? खाना कब का खा लिया? तकीजा धूम। हाँ मैंने कल सुबह ही खा लिया था। सही है, जैसे मैं ताथैया से सवाल पूछता हूँ तुम जवाब दे देती हो। अच्छा है हमारी तुम्हारी म्यूजिकल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, लेकिन तुम्हारी पौधों के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है। ये बेजबान है, हमसे कुछ कह नहीं सकते, इसलिए हमें इनका ख्याल रखना चाहिए। माफ कर दीजिए। मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, पहले पौधों को खाना दो रेणुका। मेरा पति तो मुझे पहले ही छोड़कर चला गया, अब मैं किसका किसका ख्याल रखूं? आपने बुलाया क्या? आपको नहीं, जो छोड़कर चला गया उसका। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार।
बैठिए। नमस्कार नमस्कार नमस्ते सर। बैठिए। आप सुंदर राव सेंट्रल जेल सुपरिटेंडेंट सर। सुपरिटेंडेंट बन के आए हो या फ्रेंड बन सुपरिटेंडेंट बन के? हाँ। इसका अपॉइंटमेंट कब का? मार्च 3 वेडनेसडे 4:30 PM नेक्स्ट ईयर सर। नेक्स्ट ईयर मिलते हैं। सॉरी सर, फ्रेंड बनकर आया तो चुपचाप मेरे साथ चलो। तो क्या लोगे? मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, शॉर्ट में बताता हूँ, गौर करिएगा। हाँ बताओ। इस महीने की 30 तारीख को एक कैदी को फांसी होनी है। तो क्या रस्सी लेने आयो? वो बात नहीं है। तो क्या मुझे वहाँ आके खड़ा होना है? नहीं, ये बात भी नहीं। तो फिर क्या बात है? उसकी आखिरी इच्छा है संगीत प्रोग्राम करने की, बड़े बड़े विद्वानों के साथ, और इस प्रोग्राम से जो फंड आएगा उसको वो अनाथ आश्रम में दे देंगे। एक कैदी के प्रोग्राम में बड़े लोग भला कैसे आ पाएंगे? लेकिन अगर CM प्रोग्राम अरेंज करे तो सब लोग आएंगे, फंड भी अच्छा मिलेगा और उसकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। इंटरेस्टिंग। कैदी, प्रोग्राम, फंड। अच्छा, उसका जुर्म क्या था? 7 लोगों को काट डाला। 7 सुरों को जानने वाला 7 लोगों को काट डाला? प्रोग्राम करना उस कैदी की आखिरी इच्छा है या फिर प्रोग्राम के बहाने भागने का प्लान है? नहीं नहीं, नथिंग टू वरी। उसके बिहेवियर को अच्छी तरह जानता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओके, मैं अरेंज कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अगर प्रॉब्लम हुई तो मैं तुमसे तुम्हारी आखिरी इच्छा पूछूंगा। अच्छा, अपनी बेबी की। ए बेबी, मेरी बात तुम्हें मजाक लग रहा है? यस, कैदी के कहे हुए सेंटीमेंट डायलॉग से आप मेरे डैडी को कन्विंस कर रहे हैं। उनसे स्केप होने के लिए सुपर स्केच बनाया है। वो ऐसे कैरेक्टर का नहीं है, हर आदमी गलत नहीं होता बेबी। वो क्या इतना बड़ा संगीत विद्वान है कि उसके प्रोग्राम में बड़े बड़े विद्वान आएंगे? तो एक काम कीजिए, वो गाना गाएगा, आप हारमोनियम बजाइए, डैडी तबला बजाएंगे। बेबी। मैडम, जूस लीजिए। ए रेनुका, तुम्हें बांसुरी बजाना आता है क्या? बांसुरी बजाना? खानदान में किसी ने कभी नहीं बजाया। अंकल, संगीत में वो और ये दोनों एक से हैं। ओके ओके, अगर उसने अच्छा गाया तो? इम्पॉसिबल अंकल, चांस ही नहीं है। फिर भी अगर अच्छा गाया तो? म्यूजिक इज डिफिकल्ट, सबके बस की बात नहीं है। तुम्हारा सोचना बहुत ज्यादा गलत है, मैं प्रूफ करूंगा। अगर आपने साबित किया तो अपने प्राइवेट एल्बम में मैं उसको जरूर चांस दूंगी। नमस्कार सर। नमस्कार। और होम मिनिस्टर जी, अमेरिका से वापस कब आए? वहाँ सब कुछ ठीक रहा ना? नमस्ते सर। हाँ। बट वॉइस बेबी, अंकल ये तो पूजा पाठ भी करता है। यहाँ आए सभी संगीत प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मेरे गुरुजी संगीत के महासागर थे और मैं एक छोटी सी लहर हूँ। मेरे गुरुजी की पहली इच्छा थी कि मेरा संगीत का प्रोग्राम हो। इस प्रोग्राम में पधारे हुए मुख्य अतिथि श्री मुख्यमंत्री जी को मैं प्रणाम करता हूँ। कई सालों की तपस्या और साधना से मनुष्य को मधुर कंठ मिलता है। भगवान वेंकटेश्वर की प्रार्थना से हमें मोक्ष मिलता है। मैं अपने गुरुदेव और भगवान वेंकटेश्वर का नाम लेकर ये प्रोग्राम आरंभ करता हूं। नाद संधान में प्रणव
बेटा सरस्वती तुम्हारे पास ही है, तुम्हारे सुर कहीं भी कम नहीं रहे। आपने अति उत्तम गाया, हम आपके संगीत के सामने हाथ जोड़ते हैं। तुमने बहुत अच्छा गाया, इतना बड़ा संगीतज्ञ आखिर कैदी कैसे बन गया, मेरी समझ में नहीं आया। संगीत के इस बहुत बढ़िया कार्यक्रम के लिए मैं चीफ मिनिस्टर फंड से 5 लाख रुपए देता हूँ। मैं 3 लाख देता हूँ। मैं 2 लाख देता हूँ। मेरी तरफ से 3 लाख। हमको आपका अनुभव चाहिए। सर सिक्योरिटी प्रॉब्लम होगी, हमें ले जाना होगा इसे। ओके प्लीज कैरी कम ऑन। आइए सर। वो कर कहीं न हरिनी दु महिमा तेली सेना निरुपमा दूध, मैं तुम्हें काफी देर से देख रही हूँ, तुम इस कैदी के गाने को बार बार क्यों सुन रही हो? ऐसा क्या रखा है उस गाने में कि तुम बार बार आगे पीछे दोहरा कर वही गाना सुन रही हो? कहीं तुमने अपना दिल उसे तो नहीं दे दिया ना? मैंने दिल दिया है? जब से तुम्हारा पति मरा है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुमने बिल्कुल सही बोला निरुपमा, ऊपर वाला जो भी करता है वो हर आदमी के भले के लिए ही करता है। हाँ, उसने मेरा दुख दूर करने के लिए मेरे ही पति को अपने पास बुला लिया। ऐसी बात है मैडम जी? कैसी बातें कर रही हो तुम, कोई और नहीं? हाँ। तुम पागल हो जाओगी, जाओ। हाँ जाती हूँ। बेटी मैं तो देर से ही सोता हूँ, मगर तुम अभी तक क्यों जाग रही हो? बोलो। उसका गाना सुन के मुझे नींद नहीं आ रही डैडी। व्हाट अ टैलेंट, व्हाट अ स्वीट वॉइस। उसके गाने में एक अजीब सा जादू है डैडी, उसकी आवाज बहुत अच्छी है। हाँ बेटी, ऐसा इंसान खून कर सकता है यकीन नहीं होता। अनाथ आश्रम को कोई भी इंसान इतनी बड़ी मदद नहीं करता, लेकिन इस इंसान ने अनाथ आश्रम के लिए लाखों रुपए दान में दे दिए। अगर वो जिंदा रहा तो वो कितने लोगों की मदद कर सकता है। आप CM है ना, क्या आप उसकी मदद नहीं कर सकते? मेरी अपनी भी कुछ लिमिटेशंस है, उसने राष्ट्रपति से क्षमा के लिए आवेदन भी नहीं किया, ऐसा करे तो कुछ चांस है। मगर उसकी तरफ से कोई और मदद नहीं कर सकता? लोगों के फायदे के लिए उसकी तरफ से कोई ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई कर सकता है। This is the mercy petition from orphan student sir, and this is his CD. Please take a look. And this file is signed by them. I will send this file to Delhi. Don't worry, I will do the needful. Thank you, sir. It's all right. Daddy, Narasimha ke petition ka kya hua? Rashtrapati se abhi tak koi message nahi aaya. Humne apna kaam pura kiya. Baki sab Bhagwan ke haath mein hai. बोलिए मैडम, दिल्ली से कोई मैसेज आया है क्या? अभी तक नहीं आया। चिशे।
एनी मैसेज सर? आई एम वेटिंग सर। कैदी से मेरी कोई ज्यादती दुश्मनी नहीं है, सिर्फ मैं जज के फैसले को मानते हुए इन्हें फांसी दे रहा हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऊपर वाला इसकी आत्मा को शांति दे। अब तक तो वो फांसी पर लटक चुका होगा। नरसिम्हा जिंदा है। हेलो बेबी। अंकल, आखिरी वक्त पे फांसी रोकने के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ये मैसेज आया है कि फांसी रोक दो। थैंक यू अंकल। थैंक यू तुम्हें नहीं, मुझे कहना चाहिए। तुम्हारी वजह से आज एक अच्छे आदमी की जान बच गई। तुम दोनों का पूर्व जन्म का क्या संबंध है पता नहीं, लेकिन आज तुमने उसे नया जीवन दान दिया है। उधर देखो, सारे कैदी खुशी मना रहे हैं। गुनाह करके जेल में आने वाले कैदियों के लिए उसका भी है वो एक मिसाल की तरह है। मैं उसकी जिंदगी बचाना चाहती थी अंकल, मैं जीत गई। मगर उसके टैलेंट को मैंने बेकार समझा था, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। शास्त्रीय संगीत कितना महत्वपूर्ण है ये उनके उपदेश से पता चला, मगर उनका गाना सुनकर उनके हुनर का भी पता चल गया। अब मैं उनके लिए प्राइवेट एल्बम नहीं करूंगी, बल्कि मैं उनसे शास्त्रीय संगीत सीखूंगी। तेरे गले में जो ये जंजीरें पड़ी है, इसकी जरूरत है क्या तुझे? सरी अपना नहीं है, वो अपना पर्सनल लेकर आया है। कौन है बेतू? सेल का नायक। खलनायक। आहा, फिर तू क्यों अपने आप को इतना बिल्डअप कर रहा है? सर, जब मैं पहली बार यहाँ आया था तब यहाँ के लोगों ने मुझसे टॉयलेट साफ कराया था और भी गंदे काम कराए थे। अच्छा, लेकिन इस बार जेल में आया तो कोई हाथ दबाता है, कोई पैर दबाता है, मैं ब्रह्मांड का सुख भोगता हूँ सर। इसकी सारी जंजीरें भंगार में भेज दो और इसे सेल में डाल दो। थैंक यू सर। थैंक यू क्या? सारे पैसे भिजवा देना, समझे? खा मत जाना। ये सेल चलेगा? इसका जुर्म क्या है? रेप किया है। कितने? एक ही। ये मेरे रेंज का नहीं है। इसमें चलेगा? इसका जुर्म क्या है? मर्डर किया है। कितना मर्डर किया? एक ही मर्डर। तुझे नहीं इसको। ओ भाई, दिखने में अच्छा लगता है, मुझे इसमें एडजस्ट करो। नहीं हो सकता है। क्यों? ये बहुत खतरनाक क्रिमिनल है, 7 मर्डर कर चुका है। 7? मेरे सामने कुछ भी नहीं है। डर नहीं लगता क्या? नहीं लगता। तुम रेडी हो तो मैं बात करता हूँ। रुक जा। भाई अपने 8वें मर्डर का प्लान कर रहा है, उसको अभी डिस्टर्ब मत करो, आगे चलो। ये सेल चलेगा? ये कौन है? अंदर कौन है जरा मुझे कन्फ्यूजन है। आप अंदर जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं? हाँ हाँ। तो जाओ। जाओ। हेलो, क्या है? मर्डर केस? रेप केस? समझ गया, तू रेपिस्ट लगता है।
लेकिन फेस से तो नहीं लगता कि तू जिसको गाना नहीं आता उसको गाना सिखाते, जिसको डांस नहीं आता उसको डांस करके दिखाते, और तुम्हारे जैसे आदमी को किस तरह से समझाना है उसी तरह से समझा रही हूँ। अब देखो चाकू तरबूज पे गिरे या तरबूज चाकू पे गिरे, कटता तो तरबूज ही है ना। तरबूज कटता है, चाकू फड़फड़ाता है। ये तुम किस सब्जेक्ट पे चले गए? क्या चाकू टूट गया? तरबूज स्ट्रॉन्ग है, मतलब चाकू मतलब चाकू जड़ से ही नहीं है क्या? छी, मैं बढ़िया बढ़िया सेल छोड़कर यहाँ आया, यहाँ आकर घटिया सेल में फंस गया। डोंट वरी, डे टाइम में मेरा चार्ज नहीं होता है, नाइट टाइम सिम कार्ड नहीं होगा। तेरे पास सेल नहीं है क्या? मेरे पास जमी सेल है। इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? आप लोग इस जेल में क्यों आए हैं? इसके साथ रह के हम कहां से आए वो भी भूल गए। एक कदम भी आगे बढ़ाए ना तो तेरे को कहीं चीज से कट 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 कट। क्यों बेटी, जेलर अंकल को साथ ला रही हो, इसमें तुम्हारा मकसद क्या है? कोई खास बात नहीं है डैडी, वो क्या अंकल आप ही बताइए ना। बड़ी बात नहीं है, बेबी शास्त्रीय संगीत सीखना चाहती है, यही पूछना है उसको। लेकिन वेस्टर्न तो सीखी है ना? वो फ्लैशबैक है। पर शास्त्रीय संगीत सीखने की क्या जरूरत है? ये प्रेजेंट ट्रेंड है। गुड चेंज। लेकिन इसमें मेरी परमिशन की क्या जरूरत है? बात बड़ी है, नरसिम्हा का प्रोग्राम देखने के बाद बेबी ने अपनी सोच बदल दी है। अगर संगीत सीखना है तो वो उसी से सीखना चाहती है, और अपना म्यूजिक एल्बम भी उसी के साथ करना चाहती है। ये कैसे हो सकता है डैडी? बेटी इसमें बहुत बड़ा रिस्क है, और वो तो नोटरियस क्रिमिनल हो सकता है, और उसकी तरफ से बेबी को कोई खतरा नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूँ। डैडी डैडी प्लीज, डैडी प्लीज, डैडी प्लीज, डैडी प्लीज। इतनी गंभीरता से सोचने की बात नहीं है, आप हाँ कह दो। क्या वो मान जाएगा? मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? तुम्हें फांसी होने वाली थी, लेकिन तुम्हें पूरा जन्म पता है किसने दिया? वो सीएम की बेटी। पता नहीं तुम्हारा और उसका क्या संबंध है, क्यों उसने तुम्हारे लिए सब किया। अनाथ आश्रम से मदद लेकर, आम लोगों का सिग्नेचर लेकर गवर्नमेंट को दिया, और राष्ट्रपति और गवर्नर को भेजकर तुम्हारा हैंगिंग ऑर्डर रद्द कराया। तुम्हारे फंक्शन में इतनी भीड़ होने की वजह सिर्फ चीफ मिनिस्टर ही है, इसके बदले उनकी मदद करना तुम्हारा फर्ज है। लेकिन सर, कुछ कहने की जरूरत नहीं, सीएम की लड़की तुम्हारे साथ मिलकर जो एल्बम बनाएगी उसका कलेक्शन अनाथ आश्रम को जाएगा, सोचकर जवाब दो। नरसिम्हा, आज से तुमको सीएम के घर जाने का परमिशन मिल गया है, ये दोनों तुम्हारे साथ जाएंगे, इन दोनों को बिना बताए तुम्हें कहीं भी नहीं जाना है। बाप रे, सच बताऊं तो मेरे लिए आप ही सिक्योरिटी हैं। हम दोनों के लिए। ओके। आओ। गाड़ी स्टार्ट करो। आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? शुभ काम से पहले भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। ए मूर्ति तो चुप कर, मैडम ने यहीं पर बुलाया है, वो अंदर इंतजार कर रही है, चलो। चलिए। अगर मुझसे गोली चल जाती तो फिर तो हमको ही वहाँ उसकी जगह कैदी बनना पड़ता। थैंक्स अ लॉट, आपने इस बच्ची को बचा लिया। कैसी माँ, बच्ची को अकेला छोड़ दिया, अगर एक मिनट की देरी हो जाती तो आपकी बच्ची की जान चली जाती। हेलो, क्या मैं आपको शादीशुदा लग रही हूँ मिस्टर? तो फिर ये बच्ची? जितना आप जानते हैं उतना ही मैं। ये मेरा बेटा है, मुझे दे दो। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते मैडम। नमस्ते। ये मैडम हम दोनों की मैडम है। हम सबकी मैडम है। आपने मेरी फांसी रुकवाने के लिए इतनी सारी तकलीफ क्यों उठाई? तो आपका भी उस बच्चे से क्या संबंध था जो आपने उस बच्चे की जान बचाई? That's humanity. Same to same. चलिए, आपका हैंगिंग ऑर्डर रुक जाए इसलिए मैंने इसी मंदिर में मन्नत मांगी थी, इसीलिए यहाँ आई थी। ये
नाराज हूँ। क्यों? आपने मुझे शादीशुदा कहा और ये भी कहा कि वो बच्चा मेरा है। इतनी नाराजगी क्यों? शादी तो अच्छी बात है ना। संगीत को भुलाकर शादी के बंधन में फंसाना चाहते हैं। ए बाप उधर देख, देख मेनका आ रही है। अरे इस मेनका के साथ मेरी सेटिंग होगी ना तो सीएम से कह के अपना प्रमोशन करवा लूंगा। तू सेटिंग करेगा फिर भी प्रमोशन नहीं मिलेगा, उसका प्रमोशन हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, यस वी आर कमिंग फ्रॉम सेंट्रल जेल। क्या कहा? मैं तुम दोनों जैसी इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोल सकती। दिल्ली का लस्सी पीकर, कलकत्ता का जू घूमकर, मुंबई का पानी पूरी खाकर आई हूँ। हाँ, लखनऊ में शादी कर मैं इस शहर में आई हूँ, पर मेरा पति मुझे आधे ही रास्ते छोड़कर ऊपर चला गया। समझे मुन्ना? समझे प्यारे? व्हाट अ पर्सनालिटी, ये नहीं मिली तो हम म्यूनिसिपैलिटी। संगीत में आप क्या जानती हैं? बेसिक जानती हूँ मगर कीर्तन नहीं पता। ठीक है, मायामाला राग को गा के सुनाइए। सारी गा पा धा सा। जो आपने गाया वो मोहिनी राग है। शास्त्रीय संगीत के आदि गुरु सप्त स्वर है सा। बस बस रुको, वायलिन ऐसे नहीं बजाया जाता। जी की कुर्सी और जायदाद पर मेरी नजर थी, मगर बीच में ये लौंडा आकर मेरे सपनों पर पानी फेर दिया है। रोज रोज वो जीजा जी के घर आने लगा है और संगीत से शुरुआत करके अब तो डांस तक पहुंच गया है। और इस दौरान वो उसकी वजह से मुझसे दूर होने लगी है। उसका इंतजार करना, उसको देख के उसकी खुशी में शामिल होना, उसकी वजह से मुझसे मिलने से भी इनकार करती है। अगर उसका पर नहीं काटा तो वो हमारी जड़ें उखाड़ देगा, उसको हवा में नहीं मारा तो वो हमारी जमीन खराब कर देगा। अब देखना। भैया ये प्लेस नॉट ओके। ये प्लेस ओके है यार। ए, हाँ साहब। मुझे तो उसको देखकर कुछ शक हो रहा है बे। अरे जोर से लगी होगी सर, इसलिए बैठ गया होगा। अरे तेरी तो कब दिमाग आएगा, ठीक से देख। ये प्लेस ओके है यार। क्या भाई ये होल क्यों कर रहा है? इधर होल करके भागने की कोशिश कर रहा है क्या? अबे नहीं सर, पीने का पानी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। पीने का पानी? देखा भाई हवलदार कैदी का दिमाग, तू तो किसी भी कुएं से कभी भी पानी नहीं निकाल सकता।
ये बताओ तुम्हें पीने का पानी क्यों चाहिए? बाबा, बोरिंग के पानी में नमक है ना, इसलिए मीठा पानी निकल रहा था। देखो इस पानी से इसके बाल उड़ गए हैं, पानी आएगा तो थोड़ा इसके सर पर मार देना। अच्छा उसे प्लान के बारे में पता नहीं चला। अपने लिए ये जगह अच्छी है, अभी सब निकलो। ये जगह इधर से कहीं जाएगा तो नहीं? ये जगह कहीं नहीं जाएगी, हम लोग बाहर जाएंगे, चलो। जीजाजी मैं कल असेंबली में बिना कपड़े के आऊंगा। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं उस तरह आऊंगा तो आपका अपमान होगा या आश्चर्य की बात है? ये ठीक है, समझ गए। हमारी पार्टी में भी सबको अच्छा नहीं लगा इसीलिए ना। मैं समझा नहीं। जीजाजी अपनी पार्टी के बारे में नहीं, अपनी बेबी के बारे में। सीएम की बेटी को वो दो कौड़ी का कैदी संगीत सिखा रहा है। उससे हमारी पार्टी का क्या संबंध? संबंध है, वो दो कौड़ी का कैदी अपनी बेबी को मोहरा बनाकर कहीं भाग गया तो मीडिया और अपोजिशन पार्टी वाले आपसे सवाल करेंगे। मैं अपनी लिमिट जानता हूँ, जेल सुपरिंटेंडेंट से पूरी इंक्वायरी के बाद ही मैंने हाँ की है। मेरी बेटी भी अपनी लिमिट को जानती है। वो बात नहीं है जीजाजी, कैदी की वजह से हमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली, मगर उसके दुश्मन भी तो हैं, तलवार चाकू लेकर हमेशा उसको मार डालने की फिराक में रहते हैं। कैदी के खुलेआम घूमने पर उसका घेराव करके उस पर अटैक करेंगे, उसकी क्या गारंटी है? उस समय बेबी भी खतरे में पड़ जाएगी। मेरा डर तो उसके दुश्मनों से ज्यादा है। क्या हुआ? हमारे बेटा के मौत के घाट सुलाने वाला इंसान अभी तक जिंदा है। हमारे बंजर जमीन और मरे हुए लड़के को मैं हरियाली कब दे पाऊंगा? वो ससुरा जिंदा है? पिताजी अब घबराइए मत पिताजी, वो अभी तक जिंदा है क्योंकि हमारे हाथों से मरेगा पिताजी। उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। मुंबई से शब्बीर अली, कलकत्ता से गुल्लू चाकूबाज, बिहार से कल्लू बिहारी, मद्रास से मुत्तु नारायणन, ये सब रेडी है। ये लोग पैसा लेकर गर्दन नहीं काटते बल्कि गर्दन काटने के बाद पैसा लेते हैं। ठीक है, लेकिन आवे वाला पूर्णिमा के पहले अगर ओकरा का सर नहीं काटा तो मैं अपना सर काट डालूंगा। हम हमेशा सच बोलत हैं, वो शक्तिमान है, इसीलिए नरसिम्हा बोलत हैं, नरसिम्हा बन के काट देत है। ओकरा बारे में जो लोगन का विश्वास है, गांव गांव में ओकरा के लोग जानत हैं। सावधान रहा तू लोग। नरसिम्हा उसकी मौत की खबर गांव वाले सुनाएंगे। हाँ, गांव वाले कहेंगे। जिस समय वो अकेला होगा मुझे खबर कर देना और मुझे पहुंचा देना। जल्दबाजी मत करिए, उसको जेलर साहब का फुल सपोर्ट है। मैं मौका देखते ही आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, तब तक आप लोग शांत रहिए। मैडम हुँ? कल के एल्बम के शूटिंग में ये ड्रेस चलेगा? ब्लैक। सीरियस होकर क्यों बैठे हो, क्या बात है? मैं एक जोक सुनाऊं? डोंट जोक, सीरियसली ड्राइव करो। ड्राइविंग में तो मैं ऑलवेज परफेक्ट। <Always perfect. laughs>
था। क्या हुआ? जरा उधर देखो तो। किधर गई? अपनी गाड़ी किधर गई? नहीं दिख रही। रुको रुको रुको। अरे कहीं भी नहीं दिख रहे, कहाँ गए? कहाँ गई गाड़ी? नीरू, 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 नीरू अपना नाटक बंद करो, उठो। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। सही जगह पर आ गए हैं, अब हम हमेशा यहीं रहेंगे। कुछ अकल है या नहीं? तुम कोई आम लड़की नहीं हो, तुम सीएम साहब की बेटी हो, तुम्हें कुछ हो जाता तो। वहाँ क्या कर रही हो तुम? यहाँ के हेल्प करो। मेरे हेल्प करने से क्या होगा? गाड़ी हेल्प करेगी क्या? क्यों? ब्रेक फेल। नीरू, I'm sorry. सर, मुझे लगता है कहीं मिस्टेक हुआ है। हो सकता है वो जंगल में फंस गए हों। मुझे उस पर भरोसा है, वो आएगा। हाँ हाँ, आप तो स्टेट के बहुत बड़े जेलर हैं, मगर भरोसे का भी एक लिमिट होता है। अगर वो अच्छा आदमी है तो मर्डर क्यों करता है? वो कैदी है या यहाँ का दामाद? आपने कहा था आपकी बेटी सारी लिमिट जानती है, तो फिर आपकी बेटी उसके साथ सिटी लिमिट क्यों पार कर रही है? जीजा जी, आपकी बेटी कुछ भी करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर वो मेरी होने वाली बहू है, मुझे ये पसंद नहीं। गाड़ी तो इधर ही है, लगता है वो आसपास ही हैं। मेरी आंखों में आंखें डालो और मुझे देखती रहो। तुम कितनी सेक्सी लग रही हो। अगर तुम्हें थोड़ी देर देखता रहा तो आई लव यू कहने का मन करेगा। जल्दी से पास आ जाओ, किस करना चाहता हूं तुम्हें। यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगी? यहाँ से या वहाँ से? क्या सोच रहे हो? क्या बात है? रात से आपके डैडी टेंशन में है मैडम। डोंट वरी, वी आर सेफ। ओके, आप आइए मैडम। Hey!
चलो ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, ये बहुत जख्मी है, इसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। क्यों डैडी, आपने उसे शूट करने का ऑर्डर क्यों दिया? मैंने सर्च एंड शूट का ऑर्डर दिया था। उसकी गलती क्या थी? उसने सीएम की बेटी को किडनैप किया था। उसे मैं साथ लेकर गई थी और पूरी रात हम दोनों जंगल में साथ साथ थे। अगर वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था। जिसने मर्डर किया हो वो रेप भी कर सकता है। उसके पास भागने का मौका भी था पर नहीं भागा, बल्कि मैंने उसे जबरदस्ती की तो उसने मुझे थप्पड़ मारा। ये उसके संस्कार है डैडी। आपने देखा जीजा जी, बेबी कैसी बातें कर रही है। मैंने कहा था ना मेरी बेटी लिमिट में रहती है, उसको शूट करके तुमने लिमिट क्रॉस की है। कल सफाई देने के लिए तैयार रहना। नथिंग टू वरी, मैं आपको डिस्चार्ज करता हूँ। हाय, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, सॉरी। इतना कुछ होने के बाद भी यहाँ क्यों आए हो? आई लव यू। पागल हो गई हो क्या? मैंने कुछ गलत कहा? हाँ गलत कर रही है। प्यार करना गुनाह तो नहीं है? मेरे लिए प्यार करना गुनाह है। ठीक है, तुम्हारी तरह दिखने वाले किसी से मिलवा दो, मैं उससे प्यार करूंगी। बहुत मिल जाएंगे। मुझे तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मुझे तुम्हारे जैसा अच्छा सिंगर चाहिए, जिसके पास तुम जैसा अच्छा मन हो, जो बहुत हिम्मत वाला हो, जिसका दिल अंदर से साफ हो। ये सब मैंने अपनी नजरों से तुमने देखा है। तुम जितना सीरियसली मुझे सुन रहे हो ना, उससे कहीं ज्यादा मैं सीरियस हो चुकी हूँ। तुम बोल चुकी, तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत है मगर मेरी आखिरी दौर में है। मेरे दिल में प्यार के लिए इतनी सी भी जगह नहीं है, इसलिए कहता हूं मुझे भूल जाओ। अरे बयानी, दाएं पैर से शुरुआत करो ना। तो ठीक है। तुम सब लोग मेरे पीछे पीछे आ जाओ, संभाल के आना। आ तो रहे ना। डियर ऑफिसर्स एंड सेलिब्रिटीज, इन 10 सालों में हमारे जेल से कोई भी कैदी नहीं भाग पाया है। इसका श्रेय जाता है हमारे कामयाब इंस्पेक्टर मिस्टर सरन राज जी को। उनके इस कामयाबी के लिए उनको स्टेज पर आकर के हमारे मंत्री जी गोल्ड मेडल देंगे, जिसपे हम लोगों को खुशी मिलेगी। तू क्यों चीखा बे? सर कोल्ड सर। मुझे मिला गोल्ड तो तुझे हो गया कोल्ड। इस शुभ घड़ी में हमारे जिला साहब आउट ऑफ स्टेशन है, इसलिए हमें उनका दुख है। कार्यक्रम शुरू करते हैं। मंत्री जी आइए। भाई हम कैसे फंक्शन में आ गए हैं, पेट भर के खाना खाएंगे। 10 साल के अपनी कामयाबी के लिए सिले दी अपने डिपार्टमेंट को। कैदी लोगों ने बिना ट्रैफिक के रोड बना दिया। तुम्हारा मेडल कैंसिल। ऐसा मत करिए सर। मंत्री जी प्लीज मेडल लगा दीजिए, जल्दी से मेडल लगा दीजिए सर। सर अरे सर रुकिए तो। आ,
मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, तुम लोगों ने मेरा गोल्ड मेडल मिस कराया है। पहले इनको अच्छे से खिलाओ पिलाओ, खूब जिम कराओ, उसके बाद मेरे सामने क्या करेंगे? इनकी आटी उतारूंगा। तेरी तो जा लेके जा इनको। सॉरी मैडम, आपका अंदर जाने का परमिशन कैंसिल कर दिया गया है। हेलो, मैं निरुपमा। हाँ मैडम, बोलिए। ए, चलो चलो जल्दी चलो। नरसिम्हा, एक खास बात है, मैडम आपसे बात करेगी, वो लाइन पर है। कह दो मैं बात नहीं करना चाहता और दोबारा मुझे फोन ना कर। मैडम आपसे बात करने को मना कर रहे हैं, अगली बार फोन करने को भी मना कर रहे हैं। देखा, मुंडी छोड़ के बाकी शरीर को जमीन में गाड़ दिया। अरे अंदर मुझे गुदगुदी लगता है, समझ में नहीं आता क्यों भाई। आपको जो कुछ भी हो रहा है ना, वो मेरे हाथ से हो रहा है। अरे तेरी मुंडी क्यों छोड़ दिया, तुझे तो पूरा ही दफनाना चाहिए था। कैसा लगा ये सेटअप? तुम लोगों को मैं मामूली ट्रीटमेंट नहीं दूंगा। स्टेट लेवल से फुटबॉल खेलकर 5 लोगों की फुटबॉल से जान लेने वाला कैदी इसी जेल में है, उसे फुटबॉल खिलवाने के लिए तुम्हारा ये सेटअप लगवाया हूँ। वो बिना फूड के रह सकता है, मगर बिना फुटबॉल के वो कैदी नहीं रह सकता, जानते हो, उसे नींद ही नहीं आती। अभी तुम लोगों के सर से फुटबॉल खेलेगा वो। इतना आसान पनिशमेंट है, यानी आप उसके साथ फुटबॉल खेलना चाहते हैं, यही ना? अरे वो मुझसे फुटबॉल नहीं खेलेगा गधों, वो तुम लोगों के सिर से फुटबॉल खेलेगा। उसको हर गोल गोल चीज फुटबॉल दिखती है। ए, लेकर आओ उसको इधर। पिछले जन्म में सांड था क्या, जमीन पर पैर घिसकर क्यों पिकअप ले रहा है? बाप रे, मर गए तुम बता रहे? अब ऐसा लग रहा है कि मुझे स्पेशल गोल्ड मेडल मिल गया। अभी जेलर ड्यूटी पे है, जैसे ही वो बाहर आएगा मैं आपके सेल का दरवाजा खोल दूंगा। जेलर आने से पहले आप अपना काम तमाम कर लेना, समझ गए ना? हेलो मैडम, आप कितनी बार भी फोन कर लें कोई फायदा नहीं है। मैडम आप एक काम कीजिए, अर्ली मॉर्निंग में उसका पूजा का समय होता है, उस समय वो फ्री होता है, उस समय आप उससे आराम से मिल सकती हैं। ये सिद्धि कर रहा है, इसको मारना अभी ठीक नहीं है, इसको उठने के बाद मारेंगे। जो रे, तू बहुत बड़ा फौलाद है। सुना है इसका जनेवा निकालते ही ये क्रोधी बन जाता है। ए, सभी कहते हैं, जरा हम भी तो देखें। पंडित के जैसे पूजा करने वाले आदमी का ऐसा रूप कैसे हो सकता है भला? बॉडी बहुत ही स्टिक हो गया है। बोल कौन है तू? जन्म से मैं क्षत्रिय हूँ, पूजा के वक्त ब्राह्मण हूँ, दान देते वक्त एक राजा हूँ, ध्यान के वक्त परशुराम हूँ, और दुश्मन को खत्म करते वक्त Ha ha ha!
Oh my God! सारे सेल बंद कर दो, मैन गेट भी बंद कर दो। Come on! जल्दी जल्दी। मुझे सात सुरों की संगीत विद्या में देखा है। जनेऊ पहनने वाला आम पंडित समझा क्या तुमने? टुकड़े टुकड़े काट कर सात लोगों को फेंकने वाला क्षत्रिय हूं मैं, क्षत्रिय हूं। कोई प्यार से मांगे तो अपनी गर्दन उतार कर दे दो, लेकिन कोई हाथ उठाएगा तो उसका सर काट दूंगा मैं। हाँ, परशुराम ठाकुर का पोता हूँ और प्रताप सिंह ठाकुर का बेटा हूँ। सात लोगों को मारा है मैंने, इसलिए सलाखों के पीछे हूँ। हथौरों को मारने वाले नरसिम्हा के नाम से मेरा नाम रखा गया है। नरसिम्हा नाम है मेरा, नरसिम्हा ठाकुर, नरसिम्हा ठाकुर नाम है मेरा, नरसिम्हा ठाकुर, नरसिम्हा ठाकुर। मेरा जन्म का वहां पता है, बिहार, रॉयल बिहार। मेरे शहर का नाम पता है, पटना शहर। और मेरा गांव कौन सा जानती हो? मोतिहारी। सुनिए, मेरा बेटा मनोहर आया क्या? पोती का जन्म? चलिए। ए, जल्दी चलो। मालिक, वो ललन यादव के आदमी है। ए! रुको। ए सुना, अब तक तो परशुराम खत्म हो गया होगा, मतलब चैप्टर क्लोज हो गया। उधर वो है, इधर ही लोग हैं। जो बचेंगे वह कहानी बताएंगे, क्योंकि बहुत बच्चे मरने वाले हैं। ए पंडित, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। परशुराम जी सही वक्त पे आने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन अभी तक क्यों नहीं आए ये पता नहीं। ओकर किस्मत सही नहीं है, वो नहीं आएगा, कब वो नहीं। चला भोजन शुरू करा। ए लल्लन यादव, तुझे परशुराम को ऐसा बोलने का कोई हक नहीं है, वो अच्छा काम करता है, तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। तू हमारा से जबान लड़ा रहा है? गाँव वालों को परेशान करने वाले तुम हो, और गाँव वालों के लिए जान देने वाला वो है। इस साल बारिश नहीं हुई, फसल नहीं पैदा हुई, लोग अपना पेट पालने के लिए सोच रहे हैं, तो परशुराम जी उन लोगों की मदद कर रहे हैं, जानते हो। आप उस आदमी के बारे में गलत बोल रहे हैं, उस आदमी की वजह से ही हमें और हमारे परिवार को रोटी तो मिल रही है, हम भूखे तो नहीं मर रहे हैं।
बड़ा बात कर रहा है। वो क्या टोप है? चार लोगन का साथ में रख लिया और घूम रहा है, गरीबन के घर में जाकर बहला बुझला रहा है। ए ललन यादव, अपने मूछों के सम्मान को ये परशुराम यादव कभी भी अपमानित नहीं कर सकता। अरे ये क्या परशुराम जी, ये खून का दाग कैसा? हाथी तो अपने रास्ते पर चलता है, कुत्तों के भौंकने से क्या होता है? कुत्ते तो हाथी के आगे पीछे लगे ही रहते हैं। चलिए पंडित जी शुरू करते हैं। शुरू कीजिए। रुक जा, जो खाना ससुरा कुत्ता भी नहीं खाता वो खाना इंसानों को खिला रहे हो। तू कैसन बड़ा आदमी है परशुराम, पहले खुद तो खा ले। क्या बक रहे हो तुम, ये सब मेरे बच्चे के जैसे हैं। बच्चे के साथ कोई बाप अन्याय नहीं करता। नहीं मालिक। अरे अरे क्या हुआ, क्या हुआ? देखा रे, देखा रे, खाना खाए का नतीजा देखा? इसको तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाओ। नहीं मालिक, मैं अभी इसी वक्त मर जाऊं ऐसा ललन यादव सोच रहा है। लेकिन आप मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप मुझे बच्चे की तरह समझ रहे हैं। मैंने आपको धोखा दिया, मेरे बीवी बच्चे भूखे ना रहे इसलिए मैंने यादव के कहने पे खाने में जहर मिलाया। यादव बदले की भावना में आपको मारना चाहता था इसलिए वो खाना मैंने खा लिया। मालिक मुझे माफ कर दीजिए। रुक जाओ, इसको पंचायत में खड़ा करो। ललन यादव, तुमने मुझे मारने की कोशिश की, चलो वो बात तो मैं भूल गया। मेरे परिवार को तुमने खत्म करने की कोशिश की, परिवार का मामला समझकर मैं चुप हो गया था। मगर इसी गांव में रहकर इन्हीं गांव वालों की जान लेने की तुमने कोशिश की। अब अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया ना, तो भगवान हमको नहीं माफ करेगा। तुम अपनी सारी जायदाद मरे हुए नारायण के परिवार और पूरे गाँव वाले के नाम लिख कर दो, और सिर्फ पहने हुए कपड़ों में तुम और तुम्हारा परिवार ये गाँव छोड़ कर जाओ। यही है इस परशुराम यादव का फैसला। नहीं मानूंगा। तुमको जाना ही होगा, ये परशुराम का फैसला है। नमस्कार मालिक। हाँ बैठिए। मालिक आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है मैं जानता हूँ। आपके वंश का वारिस नहीं है, अपने बेटे की दूसरी शादी करा के भी देख लिए, छोटी बहू को भी लड़की पैदा हुई, मगर फिर भी आपके मन में वंश को आगे बढ़ाने की इच्छा जागी है। नहीं 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 नहीं, नहीं। पंडित जी आप गलत समझ रहे हैं, मैंने परिवार के मसले के लिए आपको नहीं बुलाया है। कई सालों से हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही है, खाने के लिए अन्न नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, इंसान और जानवर सब लोग परेशान हैं। पंडित जी अगर इस साल भी बारिश नहीं हुई ना, तो गाँव वाले गाँव छोड़कर चले जाएंगे। इस समस्या का कोनो हल बताइए। मालिक हमारा गाँव अशांति से घिर चुका है, खून बहते इस गांव में पानी बहाने के लिए गांव के बीचों बीच शांति के प्रतीक शांता लक्ष्मी और नरसिम्हा की मूर्ति स्थापित करके उस मूर्ति का 100 मटके दूध से विधिवत अभिषेक करें तो उनके अनुग्रह से यहां की जमीन सोना उगलेगी, गांव में खुशहाली होगी और वर्षा भी होगी। मगर एक शर्त है, जब तक मूर्ति स्थापित है किसी भी तरह का खून खराबा नहीं होना चाहिए। पंडित जी मूर्ति की स्थापना आप शुरू कर दीजिए, खून खराबा बंद कराने का जिम्मा मैं लेता हूँ। सुनो बेटा। जी पिताजी। सूरज डूबने से पहले सारे हथियार एक जगह इकट्ठा करो।
सुनिए। हाँ मुबारक हो, आपको पोता हुआ है। आहा, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम यहीं पर बैठो। बिल्कुल चांद सा बेटा है आपका। अरे वाह, कितना सुंदर है। बहुत प्यारा है। आ, 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 आ। अरे पंडित जी। जी मालिक। हमारे पोते की कुंडली आप बनाने वाले थे, क्या हुआ? वो क्या है ना। क्या बात है पंडित जी? मालिक हाँ, मैं कैसे बताऊं? शांता लक्ष्मी नरसिम्हा की मूर्ति स्थापित करके आपने इस गांव की खूनी जमीन को शांति दी है, लेकिन आपके पोते की वजह से यह शांत जमीन फिर से खून से रंग जाएगी। आपके पोते को उग्र नरसिम्हा देख रहा है। अगर इसके हाथ में हथियार आया तो यह मारने से नहीं छुकेगा। आपका पोता कृष्ण के अवतार के बराबर है, इसको जेल में भी जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। इसकी कुंडली में सारे ग्रह ऐसे बैठे हैं कि यह अशुभ योग बनता है। पंडित जी, आखिर ऐसा योग कैसे हो गया इसका? योग तो भगवान ही बनाता है। इसकी कुंडली के अनुसार जो आप नहीं चाहते हैं वही सब होने के योग हैं। लेकिन इसका कौन उपाय तो होगा? उपाय तो है हाँ, मगर उपाय बहुत कठिन है। हमको बताइए, हम जरूर करेंगे। मालिक हाँ, जब तक आपका पोता जवान नहीं हो जाता तब तक इस गांव की हवा, गांव का पानी नहीं छूना चाहिए। इसे यहाँ से दूर भेजना होगा। हाँ? इसे बचपन से ही जनेऊ धारण करना होगा। एक ब्राह्मण की तरह गुरुकुल में वेदों की शिक्षा प्राप्त करनी होगी। वहाँ के वातावरण से ही इसका जीवन शुद्ध होगा, यही भाग्य विधाता का निर्णय है। यजमानस्य कुमारस्य उपनयन महोत्सवेन अधिकारसिद्ध्यर्थं विच्छकर्म अनुष्ठान योग्यता फलसिद्ध्यर्थं नूतन यज्ञोपवीत धारण महार्थस्य महार्थस्तु। बेटी अच्छे नंबर से पास हो गए पिता। मालिक, आपके पोते नरसिम्हा की फोटो लाया हूं। ये लो। दो दो। विनायक अपने पिता जैसा होगा या दादा के जैसा? आधा शक्ल पिता जैसा, आधा शक्ल दादाजी जैसा होगा। बिना मूछ का होगा या मूछ वाला होगा? बाप रे कर्मा, मैंने उसे देखा है क्या? तुमने कहा ना बचपन में देखा है। तुमने भी तो बचपन में देखा था। हाँ। वो देखो ट्रेन आ रही है। अरे ये क्या स्टाइल में आने वाला था, ये तो कमंडल पकड़ के आ रहा है। इतने बड़े साहब का बेटा कमंडल पकड़ के आएगा? तेरा भी हट गया क्या? तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? मालिक आएंगे। छोटे मालिक वहाँ आ गए, चलो। अरे ये है अपने छोटे मालिक। देखने में शरीफ ही है, मगर कोई बदमाशी करे तो मालिक उसका कीमा बना देंगे। चल जल्दी आओ दादाजी। ए मूछे हो तो दादाजी जैसी। क्या बात है दादाजी, दीदी नहीं आई? आप हमेशा ऐसा करते हैं, गुरुकुल में भी दीदी को एक बार भी नहीं लाए। हाँ। आज आप उसे स्टेशन पर भी नहीं लाए। क्या कह रहा है?
अरे तुम्हारे लिए पूरा गांव आया है फिर भी दीदी का रट लगा रखा है। दादाजी आखिर वो मेरे लिए सबसे बड़ी जो है। ये देवता अपने कुल के देवता हैं, शांता लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी। इस देवता के दूध अभिषेक के बाद ही तुम्हारा जन्म हुआ। तुम्हारे लिए और अपने परिवार के लिए ये जो देवता है ना, अपने कुल देवता बनकर आए। आशीर्वाद लो बेटा। आओ बेटा आओ आओ, यह है तुम्हारी बहिन। देखा दादाजी आपने, आप लोग मेरे स्वागत के लिए खाली हाथ आए, मगर मेरी प्यारी बहन आरती की थाली लेकर मेरा स्वागत कर रही है। यही तो होता है भाई बहन का रिश्ता। आओ अंदर चलो। अरे अरे तुमको चोट लग गया? ए, जी मालिक। कल सूरज निकलने से पहले इसको 2 फीट ऊपर करवा देना, समझे? इसकी वजह से हमारे पोते को चोट लगी। दादाजी इसकी जरूरत नहीं है दादाजी, 2 फीट ऊपर करने के लिए इसे तोड़ना पड़ेगा। इससे तो बेहतर ये होगा कि मैं सर झुका के चला जाऊं। नहीं नहीं फिर ऐसी बात मत करना, ये परशुराम और उसका खानदान हमेशा सर उठाकर चलता है, सर झुकाकर नहीं चलता, समझे? ए अभी कभी काम शुरू करवाओ, चलो संभाल के बेटा। ए, हाँ? उसका थोड़ा सा सर लग गया तो उसे काटने के लिए कह दिया, अगर कोई उसके ऊपर हाथ रख दिया तो? अगर हाथ रख दिया तो सीधे सर काट देगा। हमें सर उठाकर समाज में जीने के लिए सिखाया हमारे माँ बाप ने, बहुत नाम था इनका, सब लोग जानते थे इन्हें, लोगों की मदद करते थे, उनसे मिलते थे, उनके सुख दुख की घड़ी में हमेशा साथ रहते थे, ऐसे थे हमारे माँ बाप। दीदी आरती तो उतारी लेकिन ये नहीं पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूँ। मांगने की आदत मुझे नहीं है। भाई से लेना तो हक होता है, इसे मांगना नहीं कहते। ठीक है क्या लाए हो? ये हुई ना बात, ये है तुम्हारे भाई का तोहफा, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। लेकिन ऐसा किसी और के पास तो नहीं है ना, क्योंकि जो चीज मुझे पसंद है वो दूसरे के पास नहीं होनी चाहिए, ये बात मुझे कभी पसंद नहीं आती। बात कर रही हो दीदी, बड़ी मुश्किल से तो ये मिला है, इसका डुप्लीकेट कहीं नहीं है। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम ही ने बनाया है, ऐसा तो बहुत मिल जाएगा। चाहे इसे कोई कंपनी बनाए या तुम्हारा भाई, टूट तो ये सकता ही है लेकिन भाई का प्यार नहीं टूटता। ए, कौन हो तुम? अच्छा कौन हूँ मैं? महालक्ष्मी। बस नाम लेने से काफी नहीं होगा, क्या होगी मेरी उम्र? 19 साल। सिर्फ उम्र ही मत बताओ, कुछ और बताओ। और क्या बताऊँ? होने वाली पत्नी हूँ तुम्हारी, ये बोलो ना। मैं आ गई। क्या है बोलो? मैंने कहाँ बुलाया तुम्हें? अभी तो बुलाया। आ जाओ तुम्हें फिर आ गई, तुमने आते ही सब लोगों से बात कर ली, और अपनी होने वाली पत्नी को कभी तो याद करो। होने वाली पत्नी? भूल गए? जब दोनों हाथों से मारूंगी ना तो दिमाग में करंट लग जाएगा। मुझे ऐसा वैसा ना समझो रानी, गुरुकुल में बहुत व्यायाम किया है। तुम्हारे बारे में जो दादाजी और मामा जी बता रहे थे तो मैं कुछ और ही समझी, गुरुकुल में चना खा के तुमने सिर्फ बॉडी ही बनाई है। तुम्हारी जो चीज काम करनी चाहिए वो तो काम ही नहीं कर रही है। देखो मेरे सामने ऐसी अभद्र बातें बिल्कुल मत करो। हाँ मतलब सब खोल के बताऊं? हाँ, अब भी बताती हूँ। मैं प्यार भरे हाथों से तुम्हें काजू बादाम का हलवा खिलाऊंगी। उसके बाद क्या करोगी? फिर दूध में मलाई डाल के तुम्हें पिलाने के बाद। अरे रामा रामा रामा, भोले बाबा।
रामा रामा छोड़ो ना। अरे आओ ना राजा। ए, ए? नरसु चुम्मा देने में तुमको इतनी शर्म क्यों आती है? हाँ क्या बोली? मैं आग बंद करती हूँ, तुम चुम्मा दे दो। ए, ऐसी बातें करने में शर्म नहीं आती? शर्म किस बात की, वो भी तेरे सामने? कुछ दिन बाद तो हमारी शादी हो जाएगी। नरसी अपनी होने वाली बीवी को चुम्मा देने में और प्यार करने में क्यों शर्माती है? मैं सोचती थी मेरा होने वाला पति फौलाद होगा, मगर इधर तो बैटरी डिस्चार्ज है। उधर जाके झगड़ना। देखो ना दीदी, मुझे छेड़ रही है कब से। क्या कहा, मेरे भाई को छोड़ रही हो? बोल 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 बोल। मैं तो छेड़ूंगी, ये तो बच्चा है। तो बताओ तुम इस बच्चे को स्याना कब समझोगी? समझूंगी जैसे मैंने किया, अगर ये कर दे तो। दीदी दीदी वो तुम डर क्यों रहे हो? ऐसा क्या कह रही है वो? कहती है नारियल को हाथ से दबा के फोड़ दो। इतना छोटा सा काम है? सच में तुम एक बच्चे ही हो। उधर उस गाड़ी को देख रहे हो? तुम उस गाड़ी को अकेली ही निकालो, फिर तो तुम मानोगी ना। भाई चलो जाओ। जाता हूँ दीदी। नहीं मैंने तो मजाक किया था, ये उसकी परीक्षा है। रोक लो उसे, वो अकेला कैसे निकाल पाएगा? तुम्हें वो पति चाहिए जो धनवान हो, बलवान हो और तेज बुद्धि का हो। अरे भैया आप लोग हट जाइए। आप शहर के हो, जब हम लोग ऐसे नहीं निकला तो आपसे कैसे ये निकलेगा? मुझ पर छोड़ दो, जाओ। उधर देख कितना हसीन आइटम है। दिखता नहीं क्या? वो मुझे धक्का देकर जा रहा है और तुम चुपचाप खड़े हो। जाने दो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? कोई मुझे धक्का मार के चला जाए और तुम खड़े होकर देखते रहो, तुम कैसे मर्द हो नरसी? जरूरत पड़ने पर ही ताकत दिखानी चाहिए। यह गलत है, औरतों को इज्जत देनी चाहिए। अच्छा तो इसको एक घंटे के लिए मेरे साथ भेज दो, मैं इसको बहुत अच्छी तरह से इज्जत दूंगा। आप गलत बात कर रहे हैं। ये तो पंडित है, इसीलिए इज्जत इज्जत की बात कर रहा है। ये बहुत पवित्र है, इसको छोड़ दीजिए। छोड़ता हूँ। ए भाई, ये बहुत पवित्र है, प्लीज छोड़ दीजिए। नरसी
ओ परशुराम के पोते को कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है, अधजल गगरी ज्यादा ही छलकता जाता है। बोरबक बेवकूफ बेवकूफ, वो आपको बना देगा। बहुत पीटता है, बहुत पीटता है, उसने बहुत पीटा है सबको। तू हमेशा हमार दुश्मन के बड़ाई करता है। बड़ाई मैं क्या करूंगा, सारा गांव उसकी बड़ाई करता है। आपको देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। धर्मात्मा है, अरे आप अपने फटे हुए कपड़े पहनकर शरीर क्यों दिखा रहे हैं? और इन सब का कारण परशुराम ही है, जिसकी वजह से आपकी ऐसी हालत हो गई है। ये सब कलयुग का खेल है, आप कुछ कीजिए ना। अब देखा हमारा खेल के तो मालिक, पटना के ठाकुर साहब अपने बेटे की शादी आपके पोती से करना चाहते, ये उनका सपना है, ये बात तो आप जानते ही है। और उसी बात के लिए ये देखो अपने बेटे का उन्होंने फोटो भेजा है। आपकी लड़की ने पसंद किया तो वो खुद आकर आपसे बात करेंगे। अच्छा तो मैं अब चलूं। देखा हमारे बेटे के घर में पैर रखते ही लड़के वाले घर आके रिश्ता बनाने की बात कर रहे हैं। लड़का दिखने में अच्छा है। सुनिए जी, मुझे भी दिखाओ, ये देखो कैसा है। मुझे भी दिखाओ। पहले ये फोटो दीदी को दिखाना है। दीदी, ये तो शादी के नाम से ही शर्मा गई। दीदी बिना फोटो देखे ही अंदर आ गई, एक बार देख तो लिया होता। देखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? मैं जिससे प्यार करती हूँ उसी से शादी करूंगी। दीदी आंसू मत बहाना, तुम्हारे आंसू बहुत कीमती है। तुम्हारी शादी उसी से होगी जिससे तुम प्यार करती हो। लेकिन ऐसे कैसे होगा? क्यों? पिताजी की उससे 20 साल पुरानी दुश्मनी है, इसलिए वो कभी नहीं मानेंगे। ये सब जानते हुए तुमने ऐसा क्यों किया? प्यार करने के बाद मुझे पता चला। जाकर सबको बता दो, ठीक है। और लड़के लड़की की कुंडली मिलाकर शुभ मुहूर्त जल्दी से निकलवाओ। दादाजी शादी के लिए सिर्फ कुंडली की ही जरूरत नहीं होती, दिल भी मिलने चाहिए। तुम्हारी बात समझ में नहीं आई, ठीक से बताओ। दादाजी बात सुन के आप मना तो नहीं करेंगे? नहीं करूंगा। सिर्फ कहने से नहीं होगा, आपको वादा करना होगा। ए, तुम्हारे दादा को वादा करने की जरूरत नहीं, जवान ही काफी है, बोलो। दीदी किसी से प्यार करती है और आप उसे जानते हैं। तुम डरो मत, इन्होंने वादा किया है, लल्लन जी का बेटा है। ये जो कह रहा है सच है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आपको मेरी कसम, अगर आपने दीदी पर हाथ उठाया, दादाजी आपने वादा किया था बहन को तकलीफ देने के लिए। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, हमारे हाथों से लोगों की रक्षा होती है मगर उनके हाथों से लोगों का खून बहता है। मगर इसमें बहन की क्या गलती है? तो चुप कर, उनके घर से रिश्ता जोड़ना नामुमकिन है। ऐसा रिश्ता जोड़ने से पहले मेरे सर को काट कर थाली में रखकर उनको घर से कराओ। रिश्ता जोड़ने के लिए खून बहाने की जरूरत नहीं है, रिश्ता नहीं जोड़ा तो खून जरूर बहेगा। तू कहना क्या चाहता है? यही दादाजी, दीदी का प्यार हद पार कर चुका है। तुझे जाइए पापा, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं, इनकी शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसने जो किया है मैं जाकर के उनके पैर पकड़ू क्या? उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद जाकर बात करूंगा। हाँ क्या कहा? तू जाएगा? नहीं बेटा तुम मत जाओ। दादाजी आपको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं वहां झगड़ा नहीं करूंगा, वरना दो प्यार करने वाले कभी मिल नहीं पाएंगे, ये मैं जानता हूं। दादाजी मैं उस दुश्मनी को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। दुश्मन के घर दुश्मन आया है। ए, ये ले। अरे तू तो बोला था पहलवान है। मालिक जब उसके गांव जाएंगे तब पता चलेगा, अभी वो खुद चल के आया है और इसीलिए वो कुछ भी नहीं करेगा। तू तो हमेशा दुश्मन का सपोर्ट करता है, चल जा। रुक जाओ। क्या रे, मांगने आया है या मारने आया है? बड़े हैं आप इसलिए मांगने आया हूँ, दो परिवार के पुराने झगड़े को खत्म करने के लिए मेरी बात आपको सुननी ही पड़ेगी। तू जो भी कहना चाहता है
हमरा पैर के पास बैठ के बोला, मेरी बहन महेश्वरी और आपका बेटा रघुवीर एक दूसरे से प्यार करते हैं, अगर आप उनको आशीर्वाद दे देंगे तो हम दोनों का परिवार मिल जाएगा और मेरी बहन भी खुश रहेगी। ये शादी तू करा देगा, भरोसा है तुझे? शादी आप ही करवाएंगे ये मुझे भरोसा। अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी करोगे? तैयार हूँ। फिर तो तुम्हारी बहन इस घर की बहू बनेगी, पर तीन शर्त है। बताइए। पहला शर्त, तुम्हारे दादा ने जिस तरह से हमारी जायदाद अनाथों को बंटवाया, उसी तरह उनका जायदाद हमरा के लिखना होगा। दूसरा का शर्त, जिस तरह से तुम्हारे दादा ने हमें गांव से निकाला था, उसी तरह तुम्हारी बहन की शादी के बाद तुम सब लोगन के गांव से निकले के पड़ी। तीसरा शर्त, तुम्हें 3 महीने तक हमारा घर में नौकर बन के रहे के पड़ी। जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा। तीनों शर्त मंजूर हो तभी शादी होगी। सोचने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी बहन की खुशी के लिए आपकी हर शर्त मंजूर है मुझे। शाबाश, अपने दादा का सच्चा पोता है, जबान तो नहीं बदलेगा ना? मैं अपनी जबान से नहीं फिरूंगा। मेरी एक छोटी सी शर्त है, हमारी जितनी भी जायदाद है वो मैं अपनी बहन का नाम लिखवाऊंगा। इसने बराबर पॉइंट पे फंसा दिया। करेक्ट, बिल्कुल सही। धन्यवाद। ये क्या पिताजी, जायदाद अपनी बहन के नाम करेगा और आपने हाँ कह दिया? वो झोली भर के यही आएगी ना। पापा, पापा तुम हट जाओ। ओके, लेकिन क्यों? तुम्हारे पर उन्होंने हाथ उठाया, मैं उनका हाथ काट दूंगा। आप जाते तो खून खराबा हो जाता, इसीलिए मैं गया था। सुनो बेटा, मैंने गांव वाले से जो वादा किया वो भूल गया का? सुनो बेटा, तुम्हारा सर न झुके इसीलिए मैंने दरवाजे को 2 फीट ऊपर करवाया, लेकिन आज आज तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई वहां नौकर बनने की? बहन की शादी पर आखिर ये घर तो बहन को ही मिलेगा ना दादाजी, और शादी हो गई तो हमारी जायदाद जाएगी, मगर हमारा दुश्मन कोई नहीं रहेगा। जिससे हमारी पुरानी दुश्मनी है वो भी खत्म हो जाएगी, उससे बड़ा सुख और क्या होगा दादाजी? हाँ, मैं जानता हूँ आप सबका भला ही सोचेंगे दादाजी। आदमी हमेशा गुस्से में अपना होश खो देता है, मगर जो गुस्से में भी होश में रहे वही सच्चा इंसान है। बहन के प्यार के लिए सब कुछ त्यागने वाला भाई रोज रोज नहीं मिलता। मैं हार गया बेटा, इस शादी के लिए मेरी हाँ समझो दादाजी। हाँ। मालिक कुछ नहीं, एक मच्छर बैठा था। देखा अपन नौकर वक्त पे आ गया है। ए हाँ मालिक, नौकर वाला रूम इसको दिखा दो। जाओ जाओ, एक और नौकर को बुलाए थे ना, उसे मना कर दो। तो बाकी सारा काम हम लोग को करना पड़ेगा क्या? मैं कह रहा हूँ तुम लोग अपना काम खुद कर लो। अबे गधे, अपना ही काम करने के लिए तो नरसिम्हा को बुलाया गया है। हाँ करेक्ट करेक्ट, बाद में सबको बताएगा वो। मेरा कहने का मतलब है कि हमारा सब काम अच्छा होगा। अरे मामा, अरे तुम तो बड़ी इज्जत से बात कर रहे हो। अगर काम बराबर से नहीं हुआ तो मैं बराबर कर दूंगा। हाँ, इसलिए तुम इतनी इज्जत दे रहे हो, समझ गए? मेरी आज तक किसी ने इज्जत की ही नहीं और तुम मुझे इतनी इज्जत दे रहे हो, वही मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। आप मुझे हाथ क्यों दिखा रहे हैं? मैं आपसे छोटा हूँ। अरे मेरे मुँह से कुछ भी निकल जाता है, वो नौकर किसी काम का नहीं है। मालिक मैं सच कह रहा हूँ, नौकर किसी काम का नहीं है, कुछ काम नहीं करेगा। मामा तुम काम करवाने के लिए हो या काम पे कैंची चलाने के लिए? हाँ करेक्ट है मामा। तो आप चलो। अरे कहाँ ले जा रहे हो? अरे मालिक तुम लोग पांडव निकाल रहे हो। भाई तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है।
ये बताओ मेरे ससुर जी को जायदाद के कागज दिए क्या? हाँ दीदी मैंने दे दिए, मैंने उन्हें फेरे के वक्त ही दे दिए थे। जायदाद क्या है दीदी, मैं तो आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। पिताजी, हाँ? आपकी तबीयत कैसी है? हाँ, तबीयत तो बहुत अच्छी है बेटी। सब ठीक तो है ना? आप ऐसे रहेंगे तो ठीक नहीं है दादाजी। आप समय पे खाना नहीं खाते, इसलिए मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। आपको खाना पड़ेगा दादाजी। बेटी दादाजी का ख्याल रखना। मुझे अपने बारे में चिंता नहीं है, मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली है। अपने पोते को राजा जैसा पाला था, वही पोता नौकर बन गया। अब मेरा दिल उससे जुदा होकर एक पल भी रह नहीं पा रहा है। उसके बारे में सोचकर दिल बहुत दुखी हो रहा है। एक बार उसे देखना चाहता हूँ। ए काम वाले, जरा नरसिम्हा को बुला दो। ए सुनो, तुम बहरे हो क्या? नरसी, ऐसी हालत देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? तुम्हारे यहाँ नौकरों की कमी नहीं तो तुम यहाँ नौकर क्यों बन गए? मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो नरसी। ऐसी बहन बहन नहीं हो सकती, क्योंकि ये तुम्हारी सौतेली बहन है ना। ए, उसके बारे में कुछ मत कहना। शर्त मानने वाला मैं हूँ, मेरी बहन नहीं। मगर वो तो उनका साथ दे रही है। माँ लक्ष्मी, मेरी बहन क्या है पता है? वो मेरी माँ के समान है। मेरी बहन के बारे में कुछ भी गलत मत कहना। ये बताओ दादाजी कैसे हैं? उनकी तबीयत ठीक नहीं है नरसी, तुमसे मिलने को तड़प रहे हैं। ठीक है, तुम चलो, मैं उनसे पूछ के आता हूँ। मालिक, आपका कोई भी लड़का बचेगा नहीं। अरे मैं आपके बारे में नहीं, पत्ते के बारे में बोल रहा हूँ मालिक। क्या बात है? दादाजी की तबीयत खराब है। तो हम क्या करें? एक बार जाके उनसे मिलना चाहता हूँ। वो मरेगा तो ही गांव और देश का कोई नुकसान नहीं होगा। अगर तू जाना चाहता है तो जा, मगर बहन की जिंदगी खराब हुई तो मत कहना। जा रहा है? नहीं जाऊंगा। तो जाके अपना काम कर, जा। क्या हुआ दीदी? भैया फ्रेम टूट गया। इसे साफ करते हुए मेरे हाथों से छूट गया। तुमने जानबूझकर इस फ्रेम को तोड़ा है? ए, तुमने हम लोगों का गुस्सा फोटो पर उतारा है? ए, जब हमारी सारी जायदाद चली गई थी तब भी हमने ये फोटो हमने संभाल कर रखी थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई? औरते समय हमारा डर नहीं लगा तुझे? हा? फोटो के जितने टुकड़े हुए उतने टुकड़े कर देंगे तेरे। छोड़ना नहीं उसे, मारो। बाहर धूप में इसे ऐसे ही पूरा दिन घुटने पर खड़ा कर दो और हिलने मत देना। हाँ
बेटी, तुम दोनों ने एक ही माँ के पेट से जन्म नहीं लिया, शायद इसीलिए तुम अपने भाई का खून देख रही हो। तुम अपने घर में देवी जैसी थी और यहाँ चट्टानों का साथ दे रही हो बेटी। दीदी भाई, ये सब मेरी वजह से हुआ ना, क्या तुम मुझे माफ करोगे? ये क्या दीदी, तुम्हारी क्या गलती है? भाई, मेरी गलती को अपने सर पर लेकर तुमने मुझे मार खाने से बचा लिया। मेरी एक गलती नहीं है, बहुत सारी गलतियां की है मैंने। दीदी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पहले तुम ये रोना बंद कर दो। तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता मैं। मुझे दुख तो इस बात का है कि कल मेरे 3 महीने पूरे हो जाएंगे, तुम्हें छोड़कर जाना होगा। मेरा दिल तो नहीं कर रहा। दीदी, अपने हाथों से मुझे खाना खिला दो ना। जाओ ना दीदी। मैं चलता हूं दीदी। आपकी शर्त के 3 महीने पूरे हुए, आज्ञा हो तो मैं चलूं। अपने काम का पगार तो लेता जा। नर्सरी नर्सिंग आ गया, कैसे हो बेटा? खाना खा के भी हमके खुशी नहीं हो रही है। अरे, हमने जो सोचा था वो काम पूरा हो गया। उनकी सारी जायदाद हमें मिल गई, उन्हें हमने गांव से निकलवा दिया। उस नरसिम्हा को हमने 3 महीने नौकर बना करके अपने जूते के नीचे रखा, और हमें क्या चाहिए? बोले पिताजी, ये सब उसने अपन बेटी के यहाँ पर खुश रहने के लिए किया, अभी भी वो खुशी से जी रहा है। तो बताइए पिताजी, क्या करना है हमें? हमारा सर गाँव वालों के सामने उसने झुकवाया था, सबके सर काट डाला। ये लल्लन यादव का चीज है बता दा, उसकी लाश से ही ये लल्लन यादव के आंखों में ठंडक और दिल में चैन आएगा। फिर तो उसके परिवार वालों का भी काट डालो। अगर ये बात मेरे भाई ने सुन ली तो तुम सबको वो टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा। उसे कमजोर मत समझ।
समझना, वो मेरे कारण तुम लोगों की हर बात मानकर इस घर में काम करता रहा, ये सिर्फ मेरे खातिर। ए, मेरा भाई अकेला ही काफी है तुम सबको मारने के लिए। उसे बच्चा समझ रहे हो, कोई कमजोर समझ रहे हो? वो एक फौलाद है, मैं अभी जाकर उसे सब कुछ बता दूंगी। दीदी क्या हुआ? नरसिम्हा क्या हुआ बेटा? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मैं दीदी से मिलना चाहता हूँ। उसकी वजह से तुम पर इतने अत्याचार हुए तो भी तुम उसे प्यार करते हो, उसके बदले तुमने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया, इस बात का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। माँ, ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। माँ, मैं दीदी से मिलना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, उनकी पसंद की चीजें दे दो। रोका, ये घर से सबका निकाल के मारा, मगर वो बूढ़े को छोड़ देना, सबको मरता देख के वो बूढ़ा खुद ही मर जाएगा। चला चलो। तुम जाओ, जाकर घर वालों को बचाओ। जाओ तुम यहाँ से, अब मैं बचने वाली नहीं हूँ। तुम जाओ, जाकर घर वालों को बचाओ। भैया, मैंने तुम्हें बहुत सताया है भैया, हो सके तो मुझे माफ कर देना। दीदी, उन्होंने मुझे 3 महीने नौकर बना के रखा। दीदी, अगर मैं जिंदगी भर नौकर बना रहता तो तुम्हारा ये हाल कभी नहीं होता। तुम तो नरसिम्हा रूप हो, तुम किसी से भी कभी मत डरना। तुम अपना नरसिम्हा रूप दिखाओ। ए, मुझे दुख कभी पसंद नहीं था और मैं अपने भ्रम को गर्व समझकर जी रही थी, इसलिए मैं अपने दुख को भूलकर अकेले ही जा रही हूँ। तुमने हमेशा मुझे अपनी माँ का दर्जा दिया है और अगर मैं अगले जन्म में माँ बनी तुम्हारे जैसे ही बेटे को जन्म देना चाहूंगी। दीदी, 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 आंखें खोलो दीदी। Oh!
बहन की हत्या की। सब चले गए बेटा, खुद सब चले गए। आईपीसी की धारा 302, 316, 326 के मुताबिक मुजरिम नरसिम्हा को अदालत फांसी की सजा सुनाती है। बीस बीस सालों तक सबके होते हुए मैं गुरुकुल में एक अनाथ बच्चे की तरह पल रहा था, और आज तो मैं सचमुच अनाथ हो गया हूं। अब मैं किसके लिए जीऊं? इन्हीं हाथों में दीदी की जान निकली थी। मेरे परिवार को खत्म करने वाले तीन लोग अभी भी जिंदा हैं। मुझे मारने की कोशिश करने वाले, मेरे परिवार को मारने वाले अभी भी जिंदा हैं। वो मुझे मार देंगे या मैं कैसे मरूंगा मुझे खुद पता नहीं है। उनको मारने से पहले इन आंखों में कभी भी प्यार नहीं दिख सकता। ये दिल पत्थर हो गया है, पत्थर। इसमें किसी के लिए प्यार की कोई जगह नहीं है, नहीं है। मेरे जैसे पत्थर दिल आदमी से क्या मिलेगा प्यार करके तुम्हें? तुम एक सीएम की बेटी हो, तुम्हारे लिए अच्छे लड़कों की लाइन लग जाएगी। उनमें से किसी को भी पसंद करके उसे शादी कर लो, जाओ। मेरे दिल ने जो फैसला कर लिया है वो पहला और आखिरी है। ये फैसला कभी नहीं बदल सकता। पहली बार में मैंने तुम्हारे संगीत से प्यार किया, तुम्हारे सच्चे दिल से मैंने प्यार किया। पहले तो प्यार की सीमा थी, लेकिन अब इस प्यार की कोई सीमा नहीं है। शायद जिंदगी भर के लिए तुम्हारी पत्नी ना बन पाऊं, लेकिन एक पल, बस एक पल तुम्हारी पत्नी बनकर मैं भी जीना चाहती हूँ। हम लोगों का सारा प्लान उल्टा हो गया है। एक बात सुन लो तुम, अब वो भले ही मर जाएगी लेकिन मुझसे शादी नहीं करने वाली। वो बीमारी बढ़ने से पहले दवा खा लो, नहीं तो हाथ मलते रह जाएंगे। आपने ही कहा था ना, अब तो हम सबका राम नाम सत्य ही है। ए, तुम अपने डैडी को इतना बेवकूफ मत समझो। मैं दुश्मन की तलवार से उसी की गर्दन काट सकता हूँ। मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं जो ठान लेता हूँ उसे पूरा करके ही रहता हूँ। भूखे शेर के सामने बकरी रख के फंसाओ। ये क्या कर रहे हैं? हमके मरने से काहे रोक रहे हो? कलकत्ता से आदमी गया है, बॉम्बे से आदमी गया है, सब झक मार रहे हैं। का झक मार रहे हैं? तू सब मिलके का किए? ऊ ससुरा आज भी सांस ले रहा है, उसका गर्दन आखिर कौन काटेगा बतावा हमका? जब तक ओखर सांस चलती रहेगी हम बेचैन रहेंगे। हेलो, एक मिनट पिताजी, होम मिनिस्टर का फोन है। क्या बात है सर? इतने सालों से तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, अब वो मेरा भी दुश्मन बन गया है। मुझे टाइम वेस्ट करने की आदत नहीं। मैं उसे उसके गांव भेजने का प्लान बनाता हूँ। तब तो उसे मार दोगे ना? हाँ मार दूंगा उसको। फिर मैं जैसा कहता हूँ करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ बोला। दादाजी
कंट्रोल योरसेल्फ नरसिम्हा, कंट्रोल योरसेल्फ। मानो मेरी। परशुराम का क्रियाक्रम होने तक गांव में कर्फ्यू लगा दो, कैमरा फिक्स कर दो, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए शूट एंड शाइट का ऑर्डर दे दो। ओके, थैंक यू। दादाजी, दादाजी, दादाजी। उस दिन तो बच गया था, तेरे दादा को इसीलिए मारा ताकि तू यहाँ आके मर सके। मेरी नजरों में तू और तेरे बेटे किसी सड़क छाप कुत्तों से ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हें तो मैं कब का मार चुका होता। तुम लोग अभी तक जिंदा हो तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, और वो है इस महान आदमी की मेहरबानी। जब तक हम जिंदा है बेटा, तुम खून खराबा बिल्कुल नहीं करोगे, वादा करो हमसे। आपको भी एक वादा करना होगा, फिर मैं अपना वादा पूरा करूंगा। कैसा वादा? आप एक महान व्यक्ति हैं, अब कभी आप जेल में कदम नहीं रखेंगे और मेरे लिए किसी से मदद की गुहार नहीं करेंगे। मुझसे वादा कीजिए। hey, तुम लोगों ने गलती की, मेरे दादा ने सब माफ कर दिया। इन गांव वालों के लिए मेरे दादाजी जान देने के लिए तैयार थे, तुमने इनकी जान ली है। अब तुम्हारी मौत की चीख सारी दुनिया सुनेगी। पवित्र वंतम यदुजीर्ण वंतम वेदांच वेद्यम परिपूर्ण माध्यम आयुष्य मग्रियम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवितम विस्तृत सुखितम। Ah!
तुम्हारे केस के फेवर में गांव वालों ने हाई कोर्ट में अपील किया है, तुम्हारे छूटने के काफी चांस है। तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। वो इस जन्म में तो संभव नहीं, मेरे दिल में प्यार के लिए कोई जगह नहीं। लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे अलावा किसी और के लिए जगह नहीं है। तुम जैसे ही बाहर आओगे मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इस दिल में बंद कर दूंगी, समझ गए ना?